अभी फिलहाल छोड़ दी पाकिस्तान के जाएंगे पुतला कोई भी भारत यहाँ पर कश्मीर के अंदर कोई घटना होती है, हमारे सेना जो है यहाँ पर आतंकवादियों का सफाया करती है तो हमारे राजदूत को पाकिस्तान सरकार तुरंत बुला लेती है, वो गलत तरीके से बुलाती है। लेकिन वहाँ पर तो हमारे हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, तो अभी तक कौन से पाकिस्तान के राजदूत को बुलाया गया, कहाँ विरोध दर्ज करवाया गया? केवल सोशल मीडिया के जरिए अगर हम कुछ कह देते हैं तो हिंदू सेफ नहीं होगा। जब तक हम उनको जमीनी स्तर पर दबाव नहीं बनाएंगे हिंदू सेफ नहीं होगा। हर बार हम प्रदर्शन करते हैं, हर बार सरकार को जगाने का काम करते हैं, हिंदू तो घटता ही जा रहा है, चाहे वहाँ पर सिख कम्युनिटी हो चाहे वो हिंदू हो, वो हमेशा प्रताड़ित ही रहा वहाँ पर। क्या लग रहा है RK जी, यहाँ पर सरकार जागेगी? आपसे कहें, आपके कहें। देखिए सरकार अगर नहीं जागी तो सरकार को जगाने का काम हम करेंगे, और अगर हिंदू सरकार जगाने का काम करेगा तो सरकार को पलटा लगवाने का काम भी करता है विरोध के साथ। कार्रवाई चाहते हैं आप इस पर? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि बच्चियों की सुरक्षा जो है वो सरकार का जिम्मा है, चाहे हिंदू कहीं भी रहता है, कहीं भी हमारे कम्युनिटी की बच्चियां रहती हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो भारत सरकार का जिम्मा है। झारखंड के अंदर जो घटना हुई है उससे सरकार ने कुछ, उससे पहले भी हरियाणा के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें बच्ची को गोली मार दी गई थी, जबरन उसको गाड़ी के अंदर बैठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकार ने उससे कोई सबक नहीं लिया। तब कितना बवाल हुआ, हिंदू समाज सड़कों पे हुआ, वहाँ हरियाणा सरकार ने जल्दी जल्दी कार्रवाई की, लेकिन यहाँ पर झारखंड सरकार जो है वो ढीली नजर आ रही है। मांग क्या है अब आपकी? हमारी मांग है जो शाहरुख और नदीम नाम के जो युवक हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनको तुरंत जो है गोली मार देनी चाहिए, या इनको भी चौक के अन्दर जिंदा जलाने का काम जो है वो सरकार करे, अन्यथा सरकार इनको हमारे हवाले करे। देख रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारेबाजी करे और पाकिस्तान में हिंदू लड़की के साथ बलात्कार का जो वाक्य सामने आया उसको लेकर या रोष व्यक्त कर रहे, उसके साथ झारखंड में जिस तरह से लड़की को जो है जलाया गया उसको लेकर भी इनका रोष जो है वो साफ तौर से था। इनका ये कहना है कि इसको लेकर जो है भारत सरकार को कड़े कदम जो है उठाने होंगे ताकि इस तरह का जो हादसा है वो ना हो। अगले वीडियो का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चमू।